जाइए, ये वो नहीं करेगा। नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये क्लियरली सुसाइड है, ऐसे करने का कोई सेंस नहीं बनता। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, मैं उन गलतियों की बात कर रही हूँ जिससे आपका वीडियो डिजास्टर बन जाता है। और आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है रुचा अरमरकर फ्रॉम एनिमेशन प्लैनेट, और आज हम जानेंगे वीडियो बनाते वक्त 5 गलतियों से कैसे बचें। ये वीडियो अंत तक देखें और ये जानिए कि कौन सी वो 5 गलतियां हैं और उसे कैसे बचा जाए। पहली गलती, आप वीडियो का आउटकम डिसाइड नहीं करते हैं उसे बनाने से पहले। ओके, तो आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना चाहते हैं, आपको पता है कि वीडियो सही तरीका है, इसलिए आप इंटरनेट पे जाते हैं और वीडियोग्राफर्स या एनिमेटर्स को ढूंढते हैं और उनसे एक अच्छा वीडियो बनवाते हैं। खूबसूरत वीडियो पाके आप एक्साइटेड होकर सबके साथ वो शेयर करते हैं, मगर वो रिजल्ट नहीं लाता। आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, तो क्या आपने सोचा कि आपको वीडियो क्यों बनाना है? मार्केटिंग के लिए हाँ, मगर मार्केटिंग में एग्जैक्टली क्या आपको सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है या लीड्स जनरेट करनी है, लोग आपसे सिर्फ अट्रैक्ट हो या आपसे खरीदे, आपको क्या आउटपुट चाहिए इस वीडियो से? आपका आउटकम डिसाइड करेगा आपके वीडियो का मैसेज, और आपका मैसेज डिसाइड करेगा कि कैसे विजुअल्स इस्तेमाल करें ताकि आपका वीडियो इफेक्टिव बने। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या आउटकम चाहिए उस वीडियो का और फिर उसे बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको ब्रांड अवेयरनेस चाहिए तो बहुत ही हाई क्वालिटी विजुअल्स और सटीक इंट्रोडक्शन दीजिए बिना डिटेल्स में जाए। मगर यदि आपको एंगेजमेंट यानी लोगों का रिस्पांस चाहिए तो आपके बिजनेस के बारे में ऐसी चीज बताइए जो उनके लिए फायदेमंद हो। दूसरी गलती, आप अपने टारगेट ऑडियंस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। आपने कभी जेंट्स सूट लेडीज को बेचते हुए देखा है? ऑब्वियसली नहीं, राइट? मगर जब आप बिना टारगेट ऑडियंस फाइनल किए वीडियो बनाते हैं तो आप एग्जैक्टली यही गलती कर रहे हैं। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना टारगेट ऑडियंस डिसाइड करें, और जब आपकी मार्केटिंग उस टारगेट ऑडियंस से जुड़ जाती है तो आप रिजल्ट्स ड्राइव करते हैं। इस प्रकार डिसाइड कीजिए कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है और फिर सिर्फ उन्हीं के लिए वीडियो बनाइए। स्टडी कीजिए कि वो क्या देखना पसंद करते हैं, उन्हें आपके बिजनेस से कैसा फायदा होगा, और फिर उस बेसिस पे स्पेसिफिक वीडियो बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, एडिडास और नाइकी ब्रांड्स एथलीट्स या लोग जो खेलना पसंद करते हैं उनके लिए वीडियोस बनाते हैं, और काठमांडू ब्रांड उन लोगों के लिए बनाते हैं जो ट्रेकिंग पे जाना पसंद करते हैं। तीसरी गलती, आप सही वीडियो प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं चुनते। क्या आपको याद है गुची और सुपर ड्राय जैसे ब्रांड्स हमारे घर कभी प्रोडक्ट्स बेचने आए हैं? कभी नहीं, मगर फिर भी हम उनके प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं। क्यों? उनके सुपर वीडियो डिस्प्ले के कारण। अगर आप गौर करें तो वो हमेशा हाई क्वालिटी और फैंटास्टिक म्यूजिक के साथ होते हैं, और हम उसी के कारण उन्हें देखना पसंद करते हैं। ये होता है आपके वीडियो में प्रोडक्शन क्वालिटी का रोल। आपको जानना होगा कि कौन सी प्रोडक्शन क्वालिटी कब इस्तेमाल करनी है। कुछ वीडियोस हाई क्वालिटी के होने चाहिए, जैसे वीडियो एड्स, एक्सप्लेनर वीडियोस एक्सेट्रा, जबकि कुछ वीडियोस ऑथेंटिसिटी के लिए मैनेज किए जा सकते हैं, जैसे एजुकेशनल वीडियोस। ओके, तो अब आते हैं चौथी गलती पे, आप सही कॉल टू एक्शन नहीं चुनते। इमेजिन कीजिए आप अपने शहर में खुले हुए एक नए वाटर पार्क का सुपर एक्साइटिंग वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखने के बाद आप टिकट खरीदना चाहते हैं उसे विजिट करने के लिए, लेकिन एंड में वीडियो आपको एक ईबुक के लिए साइन अप करने के लिए कहता है। क्या आप इंटरेस्टेड रहेंगे साइन अप करने के लिए? ऑफ कोर्स नहीं। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होगा? क्लियरली वीडियो का कॉल टू एक्शन उसके मैसेज के साथ नहीं मिलता, इसलिए उस बिजनेस के साथ आगे एंगेज होने का कोई मतलब नहीं है। हमारे वीडियो का कॉल टू एक्शन एक हाथ की तरह हमारे व्यूअर्स को आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। जब वो आगे बढ़ते हैं तब वो हमारे बिजनेस को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते हैं और हमारे लॉयल कस्टमर्स बनते हैं। इसलिए चेक करें कि आपका कॉल टू एक्शन आपके वीडियो मैसेज के लिए परफेक्ट है या नहीं। अपने वीडियोस में सही कॉल टू एक्शन कैसे यूज करें, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। चेक कीजिए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं, और अगर नहीं तो तुरंत कीजिए ताकि आप अपडेटेड रहे हमारे नए वीडियोस के साथ। ओके, पांचवी गलती, आप अपने वीडियोस को प्रमोट करना भूल जाते हैं। मान लें कि एक पेंटर ने बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग बनाई है और उसे बड़े खूबसूरती के साथ अपने घर में डिस्प्ले किया है, और वो चाहता है कि लोग उसे देखें और उससे वो खरीदें। वो ऐसा कैसे कर पाएंगे? आपने वीडियो बनाना, अपने वेबसाइट पे डालना और प्रमोट ना करना इसी तरह है कि एक पेंटिंग अपने घर पे रखना
और ये होप करना कि लोग आपसे वो खरीदे। एक बार वीडियो बन जाने के बाद आपको उसे डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स के द्वारा लोगों तक पहुंचाना होगा ताकि लोग उसे देखें और रिक्वेस्टेड एक्शन लें। आप जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि लोग वो आपसे खरीदेंगे। ओके, तो जब आप जान गए हैं कि वीडियोस बनाते वक्त क्या नहीं करना है तो पूरे फ्रीडम के साथ क्रिएटिविटी कीजिए और मनचाहे रिजल्ट्स लाइए। एनिमेशन प्लैनेट में हम आपके फास्ट बिजनेस ग्रोथ के लिए वीडियोस बनाते हैं और उसे मार्केट करने में आपकी मदद करते हैं। यदि आप अपने बिजनेस के लिए एंगेजिंग वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे जाइए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@animationplanet.com पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। थैंक यू।